हाँ जी बच्चे, अब हमने क्या करना है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन जोन, ठीक है, राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ये जो रिएक्शन आपको बोल ली गई हैं, इसको तीन तीन बार लिखो, ठीक है, डेली के डेली, जैसे आज करके आए हो वैसे ही करके आओ, चेक कराते रहो, ठीक है, आप लोगों का फायदा। जो नहीं करके आया कल पांच बार करके आए, दाल बंद नहीं कर, सही कर रहा, तेरा चेक होगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, पहली रिएक्शन कौन सी थी? एल्डिहाइड्स ओनली में तूने लेक्चर लगाया ना, कोई बात नहीं, लेक्चर अपलोड हो गया, देखा नहीं। कीटोन्स ओनली में, एल्डिहाइड्स ओनली में सबसे पहली रिएक्शन कौन सी थी? फ्रॉम रोजरमेंट रिडक्शन, है ना, रोजरमेंट थी। आप लोग भी जो अभी लेक्चर देख रहे हैं एक बार रिवाइज करो पिछली रिएक्शन में, इनको भी टाइम दे दो। हाँ जी, तो आपने भी रिवाइज कर लिया होगा। इसमें भी फर्स्ट मेथड कौन सा? फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स, लेकिन इसमें ना उसका नाम रोजरमेंट ही बोलोगे, रोजरमेंट इज फॉर एल्डिहाइड्स ओनली, ठीक है। नाम रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो सेम रहेगा, यानी कि असाइल क्लोराइड ही रहेगा, लेकिन चेंज हो जाएंगे रिएजेंट्स, ठीक है। फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स पहला मेथड, असाइल क्लोराइड में सबसे पहले बच्चे इधर देखना, आप लोगों को लिखना नहीं है, CH3 CL, रोजरमेंट में हमने CL की जगह लगाया था हाइड्रोजन, और हमारे पास क्या बन गया था? एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे हम CH3 लगाएंगे तो कीटोन बन जाएगा, CH3 R ग्रुप लगाना कोई भी हो, यहाँ पे हम ऐड करेंगे CH3 twice CD, इसको बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम, यानी कि डाई मिथाइल कैडमियम। आपको सिर्फ अभी देखना है, ठीक है, लिखना नहीं, क्या है ये डाई मिथाइल, आगे बोलो कैडमियम। ये रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है, इसमें काफी क्वेश्चन भी है, अभी सारा करेंगे डिटेल में, कुछ नहीं करना होता। ये CD के साथ दो R लगे हो ऐसे ऐसे, है ना, टूट जाएंगे दोनों, इधर से CL टूट जाएगा, दोनों CH3 उधर लग जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बन गया? ये भी इथर की पेयर्स में करते हैं रिएक्शन, बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिएक्टिव, 2CH3 CH3, जिसको नहीं समझ आया पूछ लो, आ गया समझ आई बात, प्लस CDCl2। तो ये रिएक्शन देखो काफी सिंपल है, बात समझ आई? इस रिएक्शन में ये रिएक्शन यहीं पे खत्म नहीं होती, ठीक है, इसको नोट कर लो, थोड़ा सा और लिखते हैं, ठीक, लिख बोलो क्या थी रिएक्शन? 2 इधर क्या आएगा? इसको सिर्फ बोलना नहीं है, याद भी करना है, ठीक है, है ना। तो अब देखो इसमें हमने ऐड किया डाइलकाइल कैडमियम, व्हाई नॉट गिव नाइट्रोजन? देखो अगर मैं ये रिएक्शन ऐसे करता, अगर मैं इसमें ऐड करता बच्चे गिव नाइट्रोजन RNGX CH3 NDBr, अगर मैं मान लो इसमें ये ऐड कर देता इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये भी लिखना मत, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में इसको अगर मैं ऐड करता तो मेरे पास प्रोडक्ट बनता CH3 CO CH3, ये बन जाता है यहाँ पे भी, ठीक है, क्योंकि ये भी तो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे कैडमियम में, समझ आया? ये बॉन्ड इधर से टूटेगा ना ऐसे, CN नेगेटिव बाहर, CH3 इधर, CH3 CO CH3 यहाँ पे भी बन जाता है, समझ आया, ठीक है। ये बन गया, बाय प्रोडक्ट क्या बचा? MgBr और Br और क्या CL, समझ आया? MgCl Br लिख लो या Br ऐसे लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है, इसको एक को ब्रैकेट में लिख लो, आपकी मर्जी है, ये अंडरस्टूड है कि एक CL एक Br लगा हुआ Mg के साथ, समझ आई थी? नहीं समझ आई दोबारा पूछ लो, क्लियर है। अब अगर ये इसके साथ भी बन रहा था ग्रिगनार्ड के साथ, तो हमने डाइलकाइल कैडमियम क्यों लिया, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डाइलकाइल कैडमियम बनाना कैसे है, ठीक है। देखें तो देखो डाइलकाइल कैडमियम बनता कैसे है, हमारे पास होता है एक्चुअल में स्टार्टिंग में एक ग्रिगनार्ड एजेंट ही है CH3 NDBr, इसमें ऐड करते हैं बच्चे CDCl2, ये वाला CDCl2 नहीं ऐड किया कि ये बन गया फिर ऐड किया, पहले करते हैं रिएक्शन, ठीक है, ये डाइलकाइल कैडमियम बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें हमने क्या लिया, ये CD की वैलेंसी 2, यहां पे 2, क्या बन गया CH3 twice, ये बन गया, ये समझ आया आपको, प्लस क्या बना, दो मोल बनेंगे MgCl Br, ऐसे लिखते हैं वैसे, ठीक है, आ गया समझ। तो ये डाइलकाइल कैडमियम की प्रिपरेशन,
ये भी आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज और आप देखो एक साथ लिखे ना, तो फिर हमने ग्रिगनार्ड क्यों नहीं यूज कर सकते, हम सीधा क्यों नहीं ग्रिगनार्ड ऐड कर सकते, है ना, समझ आया। ग्रिगनार्ड बच्चे सीधा इसलिए नहीं यूज होता क्योंकि आप लोगों ने अल्कोहल पढ़ा सर, अल्कोहल पढ़ा ना, अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शंस आती है फ्रॉम ग्रिगनार्ड एजेंट, ठीक है। उसमें हम ग्रिगनार्ड का अटैक करवाते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स पे, कैसे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, CH3MgBr प्लस आपको याद आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH3, इसमें ग्रिगनार्ड ऐड करते थे जब ये बॉन्ड ऊपर जाता था और ये अल्काइल ग्रुप इधर आया था, ऐसे था ना, तो क्या बन गया CH3C ऊपर OMgBr इधर CH3 इधर CH3, इसकी हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या बन जाता था CH3C ऊपर OH आ गया, इधर CH3 इधर CH3 माइनस MgOHBr, समझ आया, हाइड्रोलिसिस करते ना यहाँ पे, ये रिएक्शन तो आपने की हुई है बोझ में, तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ग्रिगनार्ड ऐड करता तो मेरे पास अल्कोहल बन जाता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को कीटोन पे रिएक्शन रोकनी है, समझ आया, इसलिए मैंने डायल कैलकेट में लिया। तो ऐसा क्यों होता है ग्रिगनार्ड एजेंट आगे रिएक्ट कर जाता है कीटोन बनाता है, देखो ग्रिगनार्ड एजेंट ने भी तो कीटोन बनाया, कीटोन बनने के बाद आगे रिएक्शन फिर से होगी और अल्कोहल बन जाता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज क्या ऐसा क्या होता होगा कि कीटोन रिएक्ट हो, कीटोन बनने के बाद आगे फिर रिएक्शन हो जाती है ग्रिगनार्ड से, दोबारा होती है ना रिएक्शन, ऐसा इसलिए होता होगा क्यों, ग्रिगनार्ड एजेंट्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, ग्रिगनार्ड एजेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, आप लोग ये नोट कर लेना, करोगे नोट, करो। तो हम लोगों ने यहां से क्या समझा कि जो ग्रिगनार्ड एजेंट है वो हमने नहीं लेना, क्यों, अगर ग्रिगनार्ड एजेंट लेंगे वो आगे रिएक्ट कर जाएगा अल्कोहल बन जाएगा, हमने रिएक्शन रोकनी है एल्डिहाइड की टोन पे, ठीक है। राइट डाउन, ग्रिगनार्ड एजेंट्स आर नॉट यूज्ड बिकॉज ग्रिगनार्ड एजेंट्स आर नॉट यूज्ड बिकॉज दे फर्दर रिएक्ट्स विद कीटोन्स, दे फर्दर रिएक्ट्स विद कीटोन्स टू गिव क्या बनता है, हाँ, टू गिव 3 डिग्री ग्लूकोज, कीटोन से हमेशा 3 डिग्री बनता है, ठीक है, आप लोगों का ग्लूकोज में ये सब करवाया था हमने, सही। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, चले बच्चे आगे। तो ग्रिगनार्ड एजेंट रिएक्टिव क्यों होते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं, Mg के साथ क्या लगा आप, ये लगा और इधर Cd के साथ क्या लगा, इधर भी आप लगा, है ना, एंड दिस बॉन्ड इज मोर पोलर देन दिस वन, ठीक है, होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहां पे ज्यादा यहां पे कम है ना ऐसा, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्बन, यहाँ पे ये बॉन्ड लेस पोलर होता है, आयन का डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे भी ऐसे ही है, लेकिन RMg बॉन्ड इज मोर पोलर, ठीक है। और लिखा आपने रीजन लिखा हुआ क्या लिखा, नहीं रिएक्ट करता अल्कोहल बन जाते हैं ना, ठीक है, जहां पे आपने लिखा ना कि लेस ग्रिगनार्ड मोर एक्टिव देन डायल कैल्केट, ये नहीं लिखा ना, फर्दर एड करो, लिखो because of the difference in electronegativities of magnesium and cadmium. ब्रैकेट में लिख सकते हो मैग्नीशियम इज हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है, मोर पोलर लेस पोलर, राइट है।